महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु के दिव्य आभा मंडलों से करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक तेज प्रकट होता है। एक ऐसा दिव्य प्रकाश की जन्म जन्मांतर का अंधकार मिट जाए। सतगुरु का प्रेममयी जीवन और परोपकारी स्वभाव समस्त मानवता का कल्याण करता है। अशांत संसार में सतगुरु के मुखारबिंद से प्रकट वचनामृत जीवन दान देने वाले ही नहीं अमृत प्रदान करने वाले भी हैं। मानवता से रिक्त मानो मानवता का पोषक बन जाए और अपना तथा संसार का भला करने में सक्षम हो सके, सतगुरु के जीवनदायी प्रवचनों में ऐसी दिव्य शक्ति होती है। आज विश्व को सामाजिक सद्भाव, भावनात्मक स्थिरता और आपसी प्यार की सर्वाधिक आवश्यकता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भक्ति के साथ साथ मर्यादा और समय के अनुपालन को अत्यधिक महत्व देते हैं। दास सतगुरु माता सुदीक्षा जी के पावन चरणों में नम्रता पूर्वक प्रार्थना करता है कि प्रवचन रूप में आपके मुखारबिंद से व्यक्त उद्गार जहां संपूर्ण मानवता का कल्याण करें, वहीं भक्तों को गुरुमत वाले सदमार्ग पर चलने का सामर्थ्य भी प्रदान करें। सतगुरु सदैव रहने वाली कायम दायम परम सत्ता है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा सतगुरु मानव का कल्याण करते हैं। समय समय पर यह दिव्य सत्ता शरीर बदलती है। मानव शरीर में आकर सतगुरु आम इंसान की तरह जीवन जीकर हमें जीना सिखाते हैं। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने मानव कल्याण का उत्तरदायित्व परम पूज्य सुदीक्षा जी को सौंप दिया। सतगुरु रूप में प्रकट माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने आप को मानवता के प्रति पूर्णतया समर्पित करके जहां संगतों में नई ऊर्जा और अद्भुत उत्साह भरा है, वहीं गुरमत की गहराइयों को भी सहजता से समझा रहे हैं। सतगुरु रूप में प्रकट होने के बाद ग्राउंड नंबर 8 दिल्ली 17 जुलाई 2018 को सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज ने अपने पहले प्रवचन में फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी को जिस स्टेज पर बैठा दिया है, दासी बिल्कुल ऐसी कोई क्वालिटी गुण नहीं रखती कि यहाँ पर बैठ सके, पर सतगुरु का यही हुक्म था। बाबा हरदेव सिंह जी संगत को सिर का ताज कहा करते थे, तो दासी को यह जो सेवा बख्शी गई है आप ऐसे ही पल पल सिखाते रहना जी, ताकि दासी सत्संग में आप सबकी चरण रज लेते हुए पूरी लाइफ जिंदगी हर पल आपकी सेवा कर सके। सतगुरु माता सविंदर जी के चरणों में यही अरदास है कि आप जी अपनी सेहत जल्दी से ठीक कीजिए, ताकि दासी वापस आपके चरणों में बैठे और आप जी अपने स्टेज पर विराजमान हो जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। सात संगत जी धन निरंकार जी। सतगुरु ने पुनः आगे फरमाया, सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी सबसे पहले फिर आप सभी से आशीर्वाद लेती है कि जैसे आप सब चाहते हैं वैसे ही जीवन का हर पल व्यतीत कर सके, और जो जिम्मेदारी आज कंधों पर आई है उसके लिए भी आशीर्वाद दें कि दासी उसे निभा पाए। दासी हमेशा आप सबके चरण रज बनकर रहना चाहेगी। जैसे सतगुरु माता जी चाह रहे हैं वैसे कार्य करते हुए हम जीवन का एक एक पल जी सके। एक उदाहरण ध्यान में आ रहा है कि जैसे शर्ट का पहला ही बटन अगर हम गलत लगा दें तो बाकी सारे बटन भी गलत लगते चले जाते हैं। आप सब दासी को आशीर्वाद दें कि पहले बटन के जैसे सही तरीके से पहला कदम भी हो और फिर आगे भी हर कदम आप सबके मुताबिक ही उठा सके। आज जब हम भवन में थे तो एक कागज पर बाबा जी की ही हैंडराइटिंग लिखावट में लिखा हुआ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक क्वाट मिला। दासी वह आपके सामने पढ़ना चाहेगी। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट माई लाइफ बिलोंग टू द कम्युनिटी एंड एज लॉन्ग एज आई लिव इट इज माई प्रिविलेज टू डू फॉर इट वॉट एवर आई कैन। आई वॉन्ट टू बी थ्रोली यूज अप व्हेन आई डाई फॉर द हार्डर आई वर्क द मोर आई लिव। मेरा मानना है कि मेरा जीवन संपूर्ण मानवता के लिए है। यह मेरा सौभाग्य होगा कि जब तक मैं जीवित रहूं पूरी तरह मानवता के लिए समर्पित रहूं। अगर मैं पूरी तरह मानवता के काम आ सकूं तभी मेरा जीवन सार्थक है। जैसे ही जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का यह क्वाट दासी को आज नजर आया, एकदम ध्यान आया कि शायद निरंकार आज इसे मेरी आंखों के सामने इसलिए लेकर आया है ताकि दासी का भी यही भाव बन जाए जैसा इस क्वाट में लिखा है, और दासी अंतिम श्वास तक आप सबके लिए ही अपना जीवन समर्पित कर पाए। सात संगत जी धन निरंकार जी। महापुरुषों दास ने सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के प्रथम प्रवचन को आप तक पहुँचाने का ये जो प्रयास किया है, दास ने इसे दिव्य दीक्षा नामक पुस्तक से लिया है। बोलने के दरमियान जो कुछ भी त्रुटियां होंगी उसे दास को नादान बच्चा समझकर बख्श लीजिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा कि ऐसे ही हुजूर के प्रवचनों को आप तक पहुंचा सकें।
महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।